तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में और हम लोग मखदूम साहब से निकल चुके हैं और अपने दूसरी टारगेट पे चल दिए हैं। तो दोस्तों, किसी को कहीं पर जा कर के किसी से मिलना है तो चल रहे हैं दोस्तों वहां पर, और आप लोगों को उसके रास्ते को दिखाते हैं। और यह है दोस्तों इस श्राइन का गेट, यहां से भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं और एक गेट और भी है। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं किसी दूसरे टारगेट पर। तो और आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग आते जाते रहते हैं अक्सर। तो दोस्तों, झेलम नदी के तट पर स्थित कश्मीर, ठंड और प्यारा मौसम के साथ पृथ्वी का स्वर्ग। यहाँ की लाल से बहुत ही प्यारे होते हैं दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ी झील बुलर झील कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की दो राजधानियाँ जम्मू और श्रीनगर। तो दोस्तों, हम लोग अभी श्रीनगर में स्थित है। और ये दोस्तों, ये है गेट, ये भी गेट है दोस्तों। ये जो ऊपर किला बना हुआ है उसी का गेट है, और इसको किला बंदी किया गया है बहुत ज़्यादा दूर तक। तो हम लोग श्रीनगर में स्थित हैं, बर्फ़ का घर है ये दोस्तों कश्मीर श्रीनगर। तो दोस्तों, अब हम लोग चल दिए हैं रास्ते से। तो दोस्तों, कश्मीर को बर्फ़ का घर तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी गर्मी है। तो दोस्तों, कश्मीर को घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे चश्मा शाही, मुग़ल गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, डल लेक, हजरत बल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और भी बहुत सारे जगह पर है घूमने के लिए दोस्तों। यहाँ पर मौसम बहुत आकर्षित होता है, और आप लोग घूमिए, टहलिए और आनंद लीजिए। तो चल दिए हैं दोस्तों हम लोग आगे की तरफ, और देखते हैं पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर आप लोगों को इसका अनुभव भी दिलाते हैं। तो दोस्तों, बहुत दूरी चल दिए हम लोग और थक भी चुके हैं दोस्तों। एक तो गर्मी का मौसम भी है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही पैदल चल दिए हैं। और ये है दोस्तों पीछे का जो ऊपर बना हुआ है किला, उसका दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दूर में दोस्तों एक किलाबंदी की गई है, और उस टाइम पर बनाए गए थे दोस्तों, पता नहीं कितने समय से अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये देखिए एक और गेट, ये है किले के अंदर का गेट। सोचिए, ये दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया था ये किला, और ये किला अभी भी है। तो दोस्तों, हम लोग निकल दिए हैं और ये देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है हावल का चौक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक रोड है और हाईवे सा लग रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये रोड दोस्तों लाल चौक जाएगा सीधे टूरिस्ट सेंटर। और ये देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है वीडियो बना रहे हो, किस पे डालते हो? मैंने यूट्यूब पर डालता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों हैं मेरे साथ में और चल रहे हैं किसी से मिलने के लिए। देखिए, मिलते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं हम लोग बादाम वारी। मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों कि बादाम वारी तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और हम लोग काफ़ी दूर चले आए हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, टाइम मिलेगा तो चलेंगे, वरना फिर देखते हैं। और ये हैं दोस्तों, इनसे मिलिए, यही थे जिनसे मिलने आए थे। तो इनके साथ में निकल दिए हैं वो लोग, और फिर घूम टहल करके फिर निकलेंगे यहाँ से हम लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैदल चले, इतना चले दोस्तों कि थक चुके हैं लगभग पूरा, और धूप भी है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, पीछे के घर बने हुए हैं। तो फिर दोस्तों, हम लोगों ने निकल दिए हैं अब बादाम वारी की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, एक है इमाम बाड़ा, ये इमाम बाड़ा है, यहाँ पर भी लोग आते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग। तो दोस्तों, थके हुए थे और हम लोगों ने ये तो फिर निकल दिए हैं दोस्तों अब बादाम वारी की तरफ। वैसे तो टाइम तो बहुत कम है, फिलहाल पहुँचते हैं, पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे,
और ये देखिए चढ़ान कितनी है, ये पहाड़ है और थकान तो ऐसे लग रही है जैसे कि पैर तो उठ ही नहीं रहा हो, लेकिन चलना तो पड़ेगा भाई। नज़दीक भी आ चुके हैं अब हम लोग। हाँ ये देखिए ये है, ये साथ में है हम लोग, थक तो गए हैं, ये लोग भी साथ में हैं। ओह ये कहाँ देखा हुआ था वो? अच्छा तो चलिए दोस्तों, इस तरफ है बादामवारी, ये जो गेट, ये जो दीवाल दिख रहा है, दीवाल के इस तरफ बादामवारी, और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली बादामवारी। लेकिन दोस्तों बादामवारी ये तो बंद हो चुका है, टिकट तो मिल नहीं रहा है, अब बाहर ही ऐसे घूम टहल करके जाना ही पड़ेगा दोस्तों। पूरी मेहनत बेकार हो गई, इतनी मेहनत से आए दोस्तों लेकिन हम लोग पूरी मेहनत बेकार हो गई है, और बाहर ही ऐसे फ़ोटो वोटो खींच लो। अंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, यहाँ पर पूरे बादाम लगे हुए हैं, पूरे बादाम ही बादाम हैं अंदर, इसलिए इसको बादामवारी कहते हैं। और अच्छा सा भी है, और यहाँ पर फूल भी है, और मौसम भी यहाँ पर ठंड होता है क्योंकि बगल में ही है डल झील। तो दोस्तों और ये देखिए दोस्तों, ये सब फूल वूल लगे हुए हैं बाहर, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं बाहर भी लगे हुए हैं दोस्तों, और इसके अंदर भी हैं फूल। लेकिन दोस्तों हम लोग तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, चलना इतना मेहनत तो बेकार ही हो गया, बहुत दूर आए और फाइनली बंद गेट रहा।